नमस्कार मित्रों, मैं अनिल शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं सासाराम सिटी के नज़ारे, जो कि रोहतास ज़िले में आता है और भारत के बिहार राज्य के रोहतास ज़िले में। ये देखिए यहां का मार्केट है कुछ इस तरीके का, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। ये धर्मशाला रोड है, यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ आपको मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए। देखिए कपड़े से लेकर हर चीज़, जैसे लग रहा है कि बनारस से दलमंडी मार्केट की तरह लग रहा है। और जो भी भाई साहब या सब्सक्राइबर या व्यूअर्स जो देख रहे हो बिहार से या फिर सासाराम से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, या फिर जो बनारस के रहने वाले हो, मतलब सासाराम गए हों कभी, वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ पर है राजकीय बालिका कॉलेज, मंदिर है यहाँ पर एक। गांधी हमें हाल, काफ़ी जाम लग रहा है यहाँ पर। सासाराम का बस स्टैंड भी दिखाएंगे हम आपको, सब दिखाएंगे, वीडियो पूरा दिखेगा। खाली रोड पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। लग गया जाम, उदय पुस्तक भंडार धर्मशाला रोड सासाराम बिहार। दोना पत्तल यहाँ पर मिल रहा है, खाने पीने का सामान सब मिल रहा है, बढ़िया है मार्केट। राज तिलकुट यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। सामने जो आप देख रहे हैं ये सासाराम क्या है, जंक्शन है। हाँ चलिए दिखाते हैं सासाराम आपको जंक्शन। अब आए सासाराम जंक्शन दिखाई दे, तभी यहाँ जाम लगा हुआ है, फिर रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। मैं कब से सोच रहा था क्यों जाम लगा है यहाँ पर, जा पाएंगे हम भाई? चलिए चलते हैं देखते हैं। दौड़ दौड़ के सब जा रहे, क्या बताया जाए। ये सासाराम जंक्शन, चलिए बस स्टैंड दिखाएं, जंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको हम। आज सासाराम वाले लाइक जरूर करिएगा, मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। घर से अपने 125 किलोमीटर आए, अभी तक 140 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ मैं। सासाराम जंक्शन मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाइक लिया हूँ, कहाँ रोकूंगा, आप लोग तो गए होंगे जरूर। सामने है कंप्यूटर आरक्षण केंद्र और अनारक्षित टिकट का, दोनों मतलब है, रिजर्वेशन भी है, अनरिजर्व भी टिकट काउंटर है। और हम लोग चलते फिर मेन रोड पर, और यहाँ पर देख सकते हैं ठीक ठाक तभी है जंक्शन, अच्छा लगा वैसे, हरियाली का ध्यान दिया गया है। भाई साहब जाम लगा रहे हैं, क्या बताया जाए। देखिए यहाँ ट्रक लेके आए, जाम में लगेगा बताइए आप, जाम अब क्या बताया जाए। यहाँ पर जाम 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 खेल कर दे रहे तमाम, इसे में घुसाने का प्रयास किया जाए हम लोग। कैसे निकाले देखे ना आप, बनारसी का गाड़ी चला लिए कहीं पर भी चला सकते हैं, क्या बनारस गाड़ी चला लिए, क्योंकि बनारस में लोग कलाकारी चलाते हैं, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। जलो जलो मत बराबरी करो, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काले, तो अब कॉमन हो गया है। ताला वाला चाबी मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, सिकंजी कंजी भी है। ऐसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ मैं, ये सिटी राइड कवर करूँगा, हाईवे पर निकलूँगा, कहीं कुछ खाऊँगा तब राहत मिलेगा शरीर को। वैसे गर्मी है, कम खाएँगे ठीक रहेगा, पानी वैसे पी रहा हूँ मैं ज़्यादातर,
पानी पीते रहेंगे तभी ठीक है। एकदम बनारस का जाम यहाँ पर भी है, सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो सासाराम बनारस। ये देखिए इसमें से लेके जा रहे हैं भाई साहब। देखिए मार्केट एकदम बढ़िया है, यहाँ का जाम भी बढ़िया और लगा है एकदम। हेलमेट भाई साहब नहीं पहन रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी हेलमेट नहीं पहने हैं, हेलमेट का कोई यूज नहीं बना यहाँ पे लग रहा सासाराम में। इधर हेलमेट तो बहुत फ़ायदा करता है, गिर पड़ गया चोट चपाट लग गया तभी फ़ायदा है, मतलब सर नहीं फूटेगा और धूप लग रहा है ठंडी लग रहा है तो सर को बचाए रखता है। यहाँ पे देखिए पूरा एकदम बॉडी बढ़िया मॉल है, यहाँ पर भी वी टू मॉल वैल्यू एंड वैराइटी जैसे लंका पे है इसी तरह यहाँ पर भी है सोनी। धूल उड़ रहा है काफ़ी, हेलमेट का वाइजर बंद कर लिया हमें। वैसे बाएं तरफ है आपका बस स्टैंड सासाराम का, दाहिनी तरफ क्या है समाहरणालय स्थापित 10 नवंबर 1972 को, ये सिरसा सूरी मकबरा जाने का देखिए रास्ता ये वाला है। देखिए यहाँ पर सिरसा सूरी गेट लिखा हुआ है, वैसे मैं जा नहीं रहा हूँ। ये एक चौराहा है, क्या नाम इसका चौराहे पर कुछ खास चौराहा होगा यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चौराहा है, दाहिनी तरफ है पुल और भी हमको लग रहा होगा। यहाँ पर देखिए प्रतिमा लगी है, किसकी प्रतिमा दोस्तों जहाँ तक बताइए मुझे, कोई लिखा नहीं था। महावीर मंदिर कचहरी स्थान कचहरी है, देखिए यहाँ पर कचहरी है सदर अनुमंडल, ये कचहरी वाला क्षेत्र है। यहाँ डिवाइडर पेंट हो चुका है, काली माता मंदिर डीटी रोड। ऐसे धूप में मैं इतना चला आया यहाँ तक बड़ी बात है, कि जल्दी धूप में कोई निकलता नहीं है इतना लंबा सफ़र करने के लिए। अभी तक मैं कितना ड्राइव कर चुका हूँ, 142 किलोमीटर चला चुका गाड़ी, अब डायरेक्ट घर ही निकल रहा हूँ मैं। अब जब बरसात आएगा तब मैं तुतला भवानी या फिर और जो धुआं कुंड करके फेमस है सासाराम में वो सब कवर करने आऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमें UPI सहायता करना चाहते हैं UPI से, तो anishvarma110@upi से सहायता कर सकते हैं, जिससे मैं लंबी लंबी राइड कर सकूँ, मतलब कुछ हेल्प हो जाता है क्योंकि मैं सिटी के अलावा भी मतलब अपने बाहर निकलता हूँ बाइक ले, जहाँ तक मेरा बाइक जा सकता है। पटना तो जा चुका मैं, नगर थाना सासाराम का है, इधर है आवास पता नहीं किसका है, कोई वन अधिकारी का होगा, वन प्रखंड पदाधिकारी का। और यहाँ पर दाहिने साइड है मल्टीपर्पज़ हॉल है ये सासाराम का, बैंक कॉलोनी मोड ये है। और यहाँ पे देख सकते हैं शिव मंदिर फलनगंज राजनंदनी मेगा मार्ट, टंकी नया बन रहा अभी, चलूँगा हाईवे डायरेक्ट तब गाड़ी ठंडा करूँगा उसको। लगातार बाइक चल रहा है एकदम, 100 cc का नहीं इतना से हमारी 115 cc का है, ज़्यादा क्षमता इसका है नहीं लगातार चलने का, हर 50-70 किलोमीटर पे इसको ठंडा करना चाहिए। जिलाधिकारी आवास बाएं तरफ है, ये जिलाधिकारी आवास है यहाँ का सासाराम का। चलिए बस स्टैंड दिखाने का प्रयास करते हैं, यहीं आसपास बस स्टैंड है, खोजते हैं पहले इसको, फिर जाते समय हमको दिखाता है, हम जाते समय कॉल करेंगे इसको आराम से।
अब एक दिन में कितना कवर कर सकता हूँ मैं आखिर, जितना कर सकता हूँ उतना प्रयास किया हूँ मैं। होटल शेरशाह विहार बाई तरफ, ये बोर्ड पे लिखा हर जगह का नाम ही अच्छा लग रहा है मुझे, कि आदमी जो नया हो हमारी तरह वो आराम से पढ़ के जानकारी पता कर सके कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और देखिए यहाँ से कुद्रा 20 किलोमीटर, मोहनिया 50, बनारस 117, बनारस 117 है यहाँ से। न्यू नहर बेदा कॉलोनी, ये देखिए यहाँ पर ये बेदा नहर सासाराम है, ये देखिए बेदा नहर घाट बना हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। हमें लगता है कि यहाँ पर जब छठ पूजा होता होगा तो यहाँ पर लोग नहर के किनारे करने आते होंगे। और दोस्तों जो भी लोग वीडियो देख रहे कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो का धीरे धीरे शेयर करिएगा ताकि लोगों को जानकारी हो सके। देख सकते हैं यहाँ पर HP के पेट्रोल पंप है, वीडियो ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास नहीं मेरा, 10-15 मिनट पर्याप्त रहता है सिटी राइड के लिए। बस मैं खोज रहा हूँ आपका बस स्टैंड, मिल जाए भाई, वहाँ पर खाली रोड है इसलिए मैं चार्ज दे रहा हूँ थोड़ा बाइक राइड करके। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी टोटो चल रहा है इस टाइप का, ये पे होटल बुद्धा बाई तरफ, कितने लोग होटल मिलने के। देखिए होटल बुद्धा विनायक विहार कई सारे होटल भी हैं यहाँ पर, यानी आप रह के आराम से पूरा घूम फिर सकते हैं। स्टेशन के पास भी कई सारे हैं, बस स्टैंड आ गए हम लोग। हाँ बस स्टैंड, ऐसे आप यहाँ बनारस से बस भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। चलिए बस स्टैंड आपको घुमा दे एक बार, यह है बस स्टैंड। यह बस स्टैंड, यहाँ ऑटो ऑटो लगे कहीं भी जाने के लिए, सिटी में जा सकते हैं आप यहाँ ऑटो लेके, काफ़ी बाहर बनाया गया है सिटी से ये बस स्टैंड, ये दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शौचालय यहाँ बनाया गया है पूरा एकदम बाहर एकदम बनाया गया इसको यार, ये देखिए बस स्टैंड। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। बस स्टैंड तक आने था मेरा उद्देश्य।